खरगोन शहर के बिस्टान रोड स्थित महालक्ष्मी कॉलोनी के रहवासी इन दिनों सीवरेज और ड्रेनेज लाइन के चोक होने के कारण परेशान हैं। ये कॉलोनी वार्ड 31 में आती है। इन दिनों कॉलोनी की सीवरेज का गंदा पानी कॉलोनी और पास ही स्थित खेत पहुंच मार्ग पर जमा हो रहा है, जिससे उठ रही दुर्गंध और मच्छरों की भरमार से लोग बीमार हो रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि नगरपालिका सहित कॉलोनाइजर को कई बार शिकायत के बाद भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रहवासियों ने बताया कि पानी निकासी नहीं होने से करीब आधा दर्जन ड्रेनेज के ढक्कन लीकेज होकर पानी सड़क के साथ वापस घरों में पहुंच रहा है। समूची कॉलोनी वासी इससे परेशान है। वहीं कृषक हीरालाल चांदोरे ने बताया कि कॉलोनी में उनका घर होने के साथ पिछले हिस्से में खेत भी है, जहां पहुंच के रास्ते पर घरों से निकला गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे किसान खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बैलगाड़ी से गंदगी के बीच होकर गुजरना मजबूरी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। महालक्ष्मी टाउनशिप के चेम्बरों का पानी जो न निकासी होने के कारण इसका पानी गंदा पानी हमारे खेतों में जा रहा है और हम निकल नहीं पा रहे और इसकी बदबू आ रही है और हमारे जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। और एक कॉलोनी के जो 8-10 मकान है महालक्ष्मी टाउनशिप के, इन मकानों के बच्चों ने ये भी बीमार हो रहे और इतने बदबू आ रहे पानी का कि कोई कह नहीं सकते। ये प्रशासन के समय में ये नगर पालिका ने हैंड ओवर करी थी। कमलेश भंडारी इसका सर्वे सर्वाया था, इसने पानी का निकास कॉलोनी का ना करते हुए इसने नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी है। ये पाइप खराब हो गया क्या मालूम, ये पानी निकल रहा है और सब बेबे कर जाकर वहाँ इकट्ठा हो रहा है और ये गंदा पानी है और इससे मच्छर पैदा होंगे और बच्चे ना सब बीमार हो रहे हैं। और तो निकासी है कि नहीं पानी की? नहीं, निकास नहीं है। तो कहाँ पानी का आया था? वो गड्ढा भरा गया तो पानी बेकर नहीं सा जा रहा रोड रोड। क्या नाम है आपका? परी बनवारे। टाउनशिप में जगह जगह ड्रेनेज फूट गई है और उसका गंदा पानी हमारे घरों के सामने से होके जा रहा है और ये आगे जाके खेतों में मिल रहा है, तो जिससे आने वाली बीमारियां, जिससे हमको बीमारियां हो रही है और बीमार पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, शिकायत की है, नगर पालिका भी की है, अध्यक्ष जी को भी की है, पार्षद महोदय को भी की है, सभी लोगों को शिकायत की है। क्या कहना पड़ा? बस करेंगे इसको, पर अब कर नहीं पा रहे हैं। समस्या आ रही है? ये तो 2-2.5 महीने हो गए, ज्यादा मेरी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? इसकी तो दिन भर ये स्मेल चलती रहती है, घर के सामने है तो बदबू आ रही है। सबसे ज्यादा बदबू यही आती है और बच्चे भी परेशान होते हैं मेंटली तौर पे। क्या नाम है आपका? आकाश कोहली। मी टाउनशिप का जो ड्रेनेज लाइन का पानी, इसका निकासी ना होने के कारण इसका पानी हमारे खेतों में और एक कॉलोनी के जो रह रहे हैं इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। हम गंदे पानी में से निकल रहे हैं और हमने इतनी भी शिकायतें करी है, कोई नगर पालिका की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायतें करी है, कॉलोनाइजर को बोला है क्या? कॉलोनाइजर कमलेश भंडारी को भी शिकायत करी है, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा और अभी तक हम कोई बोल नहीं रहे। और मैं इस कॉलोनी में रहवासी भी हूँ और मेरी जमीन भी है और मेरी जमीन के अंदर जाने का रास्ता पूरा खत्म हो गया है कि हम जो परेशान हो रहे हैं वो नगर पालिका, ये प्रशासन के समय में नगर पालिका को कमलेश भंडारी ने बगैर जानकारी से इसको हैंडओवर करवाई है। इसमें इसकी जांच की जाए, कौन अधिकारी था? ये पानी कहाँ आ रहा है? ये पानी हमारे खेतों के वहां जा रहा है पूरा गंदा पानी और हमारे जानवर, और हम पूजा पाठ का सामान लेके जाए तो भी हम लेटरिन के पानी में से निकल के जा रहे हैं। और हमारे क्या मांग कर रहे हैं? हमारे को ये पानी का निकासी एक तरफ हो जाए और हमारे को रास्ता सही साइड हो जाए। मेरा नाम है हीरालाल चांदोरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।